इंदौर के पास बैठमा में हुए क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान आपसी विवाद के बाद प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल बुधवार को आईजी कार्यालय इंदौर पहुंचा, जहां आईजी हरिनारायण चारी मिश्र से चर्चा की। इंदौर के आईजी कार्यालय पर बुधवार को कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल प्रशासन पर दोहरी कार्रवाई का आरोप लगाते हुए पहुंचा और आईजी हरिनारायण चारी मिश्र से चर्चा की। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला, विधायक विशाल पटेल, इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव सहित कई कांग्रेसी आईजी हरिनारायण चारी मिश्र के समक्ष पहुंचे और उन्होंने बैठमा में हुए बीते दिनों एक विवाद का हवाला देते हुए कहा कि दो पक्षों में हुए विवाद के बाद प्रशासन इसे राजनीति के दबाव में आकर एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। इंदौर से सतीश शर्मा के साथ इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। देखिए, एक ये क्रिकेट टूर्नामेंट में आपस में झगड़ा होता है बच्चों में, और इसको बीजेपी द्वारा एक संप्रदाय का रूप दिया जाता है और उन पे कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा एक तरफी कार्रवाई की जाती है और माहौल बनाया जाता है भय का। तो ये हम सब इसके लिए कि वहाँ न्याय हो, और इस तरीके की पहले भी घटना घट चुकी है, उसको न्याय को लेकर आज हम पूरे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के रूप में यहाँ पर आए और आईजी साहब को अवगत कराया, और उस पर जो FIR दर्ज दोनों तरफ होना चाहिए, एक तरफ जो न्याय अन्याय हो रहा है उसके विरुद्ध में हम यहाँ पर आए थे सब। क्या चर्चा हुई, क्या कहा भी आई जी साहब ने? बोला है कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करके और जो भी आरोपी होंगे उन पर कार्रवाई कर उन्हें दंडित करेंगे। मैं इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव। एक प्रतिनिधिमंडल आया था जिसका कहना था कि उस बेटवा में हुए झगड़े में लगभग 28 लोगों के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है उसमें FIR हुई है, उस बारे में वीडियो फुटेज मौजूद हैं और पुलिस के अधिकारी हैं, निश्चित तौर पे वीडियो फुटेज के आधार पर जिनकी सक्रिय संलिप्तता होगी उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अगर किसी व्यक्ति का नाम अगर कहीं तथ्यों की चूक के कारण आ गया तो पुलिस उसको आगे विवेचना में विचार करेगी और सिर्फ उन्हीं लोगों पे सक्रिय कार्रवाई करेगी जिन्होंने सक्रिय रूप से उस पूरे विवाद का हिस्सा रहे हैं। पुलिस निष्पक्ष ढंग से कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। सर, आज से नाइट कर्फ्यू लगने वाला है, कुछ अलग से बल वगैरह? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।